चुनावी सभा को संबोधित किया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में सभा की। सीएम शिवराज ने कहा कि एक ही घर में परिवार के कई सदस्य होने की परेशानी जब पता चली तो मैंने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बना दी, जिसमें परिवार के अन्य सदस्यों को अलग से जमीन दी जाएगी और उनका मकान बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हम अपनी बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संकल्पित हैं और इसी दिशा में निरंतर योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं। हमने तय कर दिया है कि स्व सहायता समूह की हमारी बहनें स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म तैयार करने के अलावा पोषण आहार भी बनाएंगी। पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी की बात मैंने सस्ते राशन की कही, मकान की बात कही, पढ़ाई की फीस मामा भरवाएगा और उसके बाद एक मामला था दवाई का इंतजाम। नंदू भैया कोरोना में ही हमारे बीच से चले गए। बीमारी अगर हो जाए, किसी का हार्ट, किसी की किडनी, तो कहां से पैसे लाए बताओ? गरीब इलाज करवा सकता है क्या? जल जीवन मिशन पे काम शुरू हो गया है। कोई कसर जनता की जिंदगी बदलने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। और रोजगार के लिए मेरे बेटा बेटियों, इस साल अभी 38,000 भर्तियां हुई है शिक्षकों की और 8,000 हुई है नर्सिंग स्टाफ की। एक साल में 1,00,000 सरकारी भर्तियां हम करेंगे, जिसमें बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन केवल सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं, सरकारी नौकरियों के अलावा एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना नौजवान बेटे बेटियों के लिए, कि अगर वो काम धंधा करना चाहे तो 5,00,000 10,00,000 जितने भी लोन की जरूरत पड़ेगी, लोन उन्हें बैंक देगा और बैंक को गारंटी मामा देगा भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बागली के उदयनगर में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर